हेलो गाइस, वेलकम टू एल्फ्यूरियस लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ठंडी ठंडी सुबह में गरम गरम चाय एंजॉय करते हुए और रात की बची हुई रोटी को पराठे में कन्वर्ट करके खाते हुए, जी हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कुछ भी बोलें, अगर आपने ट्राई नहीं किया ना तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पूछेंगे कैसे बनता है तो वो मैंने पीछे के व्लॉग्स में बना रखा है। अगर नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत यम्मी होती है, बहुत टेस्टी होती है। और इसके बाद हम लोग का इंस्टेंट प्लान बन गया मक्खन लेने जाने का। सो अमेजिंग, इतने मतलब इतनी जल्दी प्रोग्राम बना कि बिल्कुल सुबह ही सुबह मक्खन मिलता है तो हम लोग पहुँचे मक्खन लेने के लिए। हालांकि वो वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाए हैं, लेकिन घर पे आके मक्खन कैसा था क्या था वो सब आपके लिए शूट किया है। और बहुत से लोगों को ये देख के लालच आ जाएगी ना, कितना केसर पिस्ता बादाम इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए पड़ा है। हालांकि थोड़ा सा मक्खन के अंदर भी पड़ा हुआ था। और जो लोग लखनऊ के आसपास रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं तो वो जानते होंगे लखनऊ में चौक में गोल दरवाजे के सामने मक्खन के कितने स्टॉल्स लगते हैं और कितना ज़बरदस्त मक्खन मिलता है। बहुत ज़्यादा फेमस मक्खन वहाँ का है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग ने मक्खन निकाला और इन्जॉय किया। हाँ, और दिन को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ इन्जॉय स्टार्ट किया और होप फॉर द बेस्ट की पॉजिटिविटी के साथ ही हर दिन एंड भी हो, तो ऐसा हमारा सोचना रहता है। और काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में, हमेशा पॉजिटिविटी नहीं होती है मानते हैं, लेकिन ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, और मेरे यहाँ स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी, टेम्परेचर 3-2.5 ऐसे टेम्परेचर जा रहा है लखनऊ के आसपास। जो लोग यहाँ से हैं तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके शहर में कितनी ठंडी पड़ी वो भी ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं इंजॉय करते हुए मैंने सोचा कुछ ना कुछ आपसे थोड़ी बात कर लेंगे। बाद में देखा हुलिया इतना ख़राब था, जो ये स्टैंड्स वाले बाल होते हैं ये निकल आते तो हुलिया और बेकार लगने लगता है। हालांकि सबसे पहले मक्खन ला के ही इंजॉय कर लिया। बेड रेस्ट सेट नहीं है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, अभी हम उसको सेट कर देंगे। और लाइफ कैसे भी हो बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए। कोई सोच रहा होगा, कमेंट करने का सोचोगा, अरे ये छोटे से मक्खन की चीज़ में इतना खुशी। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम हर एक छोटे लम्हे को, हर एक छोटी चीज़ को इंजॉय करते हैं ना, तभी लाइफ बहुत हैप्पी लगने लगती है। और हालांकि बड़े अचीवमेंट से तो सभी हैप्पी होते हैं, लेकिन जो छोटे अचीवमेंट से या छोटी चीज़ों से हैप्पी होते हैं उनकी पूरी लाइफ भी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और अगर हम बड़े अचीवमेंट के पीछे पड़े रहेंगे ना तो वो बहुत कम आते हैं, बहुत दिनों बाद आते हैं। तो छोटे छोटे अचीवमेंट को एंजॉय करें। और मेरी गुलाब की कली अभी तक के नहीं खिली है, मैंने कुछ कपड़े अपने वॉश करके डाल दिए हैं धुलने को। और ये हमारे गार्डन के छोटे छोटे पौधे हैं जिनमें खूब प्यारे प्यारे से फ्लावर्स निकले हुए हैं। और उसके बाद हम आ गए अपने सबसे पहले कंघी करने के लिए, क्योंकि जाड़ों में जब वुलन कपड़े पहनते हैं तो सबसे ज़्यादा बेकार हमारे बाल हो जाते हैं। हालांकि मेरे बालों का नेचुरल टेक्सचर जो है वो कर ली है। और उसके बाद इस तरीके से हमने कर ली अपनी ब्रेड। और मैं कोशिश करती हूँ पर्सनली पूरी ब्रेड रखने के लिए। बाल जितने बंधे रहते हैं जाड़ों में ख़राब उतने कम होते हैं, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओपन बाल कहीं जाए तो रखें, नहीं तो घर में इतना ज़्यादा बोरिया बिस्तर लादे रहते हैं तो वो बाल और ज़्यादा गर्म कपड़ों की वजह से ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद हमने किया लंच। उसके बाद पता चला लंच करने के बाद कि मौसम ख़राब होने वाला है, हो सकता है बारिश का मौसम बन जाए। तो फिर जल्दी जल्दी लंच किया, थोड़ा सा आराम किया। और आप देख पा रहे हैं आज लंच में बना था मटर पुलाव विद ग्रीन चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम थी। जब गरम गरम सर्व करते हैं वो और ज़्यादा यम लगती है। जाड़ों में कौन कौन खा रहा है हमें भी बताइएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ चले, जी हाँ झाड़ू पोछा लेके चल दिए छत पे, जो कि कभी नहीं जाते छे महीने, लेकिन बारिश होने वाली है तो छत पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, पेपर्स पड़े हुए थे। तो अक्सर होता है कि बारिश होते ही नाली जो होती है वो चोक कर जाती है तो पूरी छत पे भर जाता है पानी। तो हम लोग ने स्टार्ट किया एक साइड से छत को पूरा झाड़ना, ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कहीं से पतंग उड़ के आ जाती है, कहीं से कुछ पन्ने वगैरह होते हैं इस तरीके से। देखिए कितनी गंदी छत है, तो अब एक साइड से इसको भी करना शुरू करेंगे। और हालांकि इतना कूड़ा हम ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं एक छत से, और अभी इतना और बाकी है।
कुछ स्पीड में, जिस स्पीड में दिख रहा है इतनी स्पीड में साफ नहीं हुआ था, इसमें टाइम बहुत लगा था, बट मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अगर आपकी छतों पे भी कूड़ा है और बहुत दिन से साफ नहीं हुई है तो साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पानी बरसता है तो पानी भर जाता है, नाली चौक हो जाती है तो प्रॉब्लम बहुत होती है। और नीचे हम लोग क्या बनी हुई है, पुट्टी POP, तो अगर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो फिर वो झड़ने लगती है। इसलिए मैंने ये काम किया। और रात के सीन में कुछ इस तरीके से ज़बरदस्त कोहरा गिर रहा था फ्रेंड्स, बारिश नहीं है, आपको इतनी स्पीड में जो दिख रहा है ये कोहरा था हमारे गार्डन में, जो कि इतना ज़बरदस्त लग रहा था और बहुत स्पीड में गिर रहा था, क्या बताएं, बिल्कुल नैनीताल वाली फीलिंग घर में आ रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं हवा चल रही थी तो वो और स्पीड से आ रहा था। कैसा मौसम है आपके पास, आपके एरिया में, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आया हो, देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करती हूँ कि हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और कुछ बेहतर कर पाएँ।